संगत कोण करेस्पोंडिंग एंगल, एकांतर कोण अल्टरनेट एंगल, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। क्योंकि संगत कोण और एकांतर कोण को सीखे बिना ज्योमेट्री अधूरा है, इसको सीखना बहुत ही जरूरी है और ये बड़ा आसानी से सीखा जा सकता है। इसे सीखने के लिए सबसे पहले मैं दो समांतर रेखा खींच रहा हूँ। एक रेखा हो गया ए बी और दूसरा सी डी। अब इसमें एक तिर्यक छेदी रेखा काटना पड़ेगा। यह हो गया तिर्यक छेदी रेखा। अब तिर्यक छेदी रेखा काटने के बाद हमें कुछ कोण इसमें मिल रहा है, जैसे ये कोण, यहाँ पे ये कोण, यहाँ पर कोण, यहाँ पर कोण, इसी तरह से यहाँ पर चार कोण। तो इस कोण का नाम अपने से रख देंगे एक दो तीन चार, फिर पांच छः सात आठ। अब इस पर विचार करते हैं। ये तिर्यक छेदी रेखा है, ये दोनों समांतर रेखा है, समांतर रेखा ए बी के समांतर सी डी है। अब समांतर रेखा के ऊपर में कोण दो है, तिर्यक छेदी रेखा के एक ही ओर है कोण दो, फिर समांतर रेखा के ऊपर कोण पांच और तिर्यक छेदी रेखा के उसी ओर है कोण पांच। तो ये कोण दो और कोण पांच, इन दोनों कोणों को कहा जाता है संगत कोण, यानी करेस्पोंडिंग एंगल। इसी प्रकार कोण तीन और कोण आठ को कहा जाता है संगत कोण, क्योंकि ये दोनों कोण भी समांतर रेखाओं के ऊपर है और तिर्यक छेदी रेखा के एक ही ओर है। तो कोण दो बराबर कोण तीन और सॉरी कोण दो बराबर कोण पांच संगत कोण, कोण तीन बराबर कोण आठ ये संगत कोण। इसी प्रकार कोण चार बराबर कोण सात, कोण चार बराबर कोण सात ये संगत कोण, कोण एक बराबर कोण छः ये संगत कोण। ये सारा का सारा हो गया संगत कोण का युग्म, संगत कोण। अब हम एकांतर कोण को समझेंगे, अल्टरनेट एंगल। कोण एक तिर्यक छेदी रेखा के दूसरी ओर है कोण आठ। यदि हम तिर्यक छेदी रेखा के दूसरी ओर आएंगे तो वो अल्टरनेट एंगल कहा जाएगा इसे। कोण एक बराबर कोण आठ एकांतर कोण। एकांतर कोण हमेशा समान होता है। यदि दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक छेदी रेखा या तिर्यक रेखा काटे तो संगत कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होगा और एकांतर कोण का प्रत्येक युग्म भी बराबर होगा। तो कोण एक बराबर कोण आठ, कोण एक बराबर कोण आठ, कौन सा कोण, यह हो गया एकांतर कोण। कोण चार बराबर कोण पांच, कोण चार बराबर कोण पांच, यह हो गया एकांतर कोण। एकांतर अंत है कोण, अंत कोण इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये तिर्यक ये समांतर रेखाओं के अंदर में है। इसी प्रकार कोण तीन बराबर कोण छः, ये दोनों कोण भी एकांतर कोण होगा लेकिन ये एकांतर बाह्य कोण, क्योंकि ये बाहर में है। कोण दो और कोण सात होगा, ये भी एकांतर कोण होगा, एकांतर बाह्य कोण होगा। तो ये दोनों हो गया एकांतर कोण। अब आसानी से हम समझ लेंगे कि संगत कोण क्या होता है, एकांतर कोण क्या होता है। यानी दो समांतर रेखाओं को यदि कोई तिर्यक छेदी रेखा काटे या प्रतिच्छेद करे तो समांतर रेखाओं के ऊपर की ओर बने दोनों कोण, जैसे दो कोण दो और कोण पांच और तिर्यक छेदी रेखा की एक ही ओर, ये दोनों कोण संगत कोण कहलाएगा। इसी प्रकार कोण तीन बराबर कोण आठ भी संगत कोण कहलाएगा
और यदि हम तिर्यक क्षैतिज रेखा के इस पार से उस पार आते हैं तो ये दोनों अल्टरनेट एंगल एकांतर कोण ये भी बराबर होगा, और कोण 4 बराबर कोण 5 एकांतर कोण ये भी बराबर होगा। तो इस प्रकार से आज हमने आसानी से समझ गया कि एकांतर कोण और संगत कोण क्या होता है और वो किस प्रकार से बराबर होता है।